फोन आ गया, हमें बचाओ, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, कल तक है उसके बाद नहीं होगा, हमें बचाओ किसी भी तरह हमें लाइब्रेरी पहुंचा। सरकार का काम था इस तरह से लॉकडाउन करना, गलत था, उनको पहुंचाना चाहिए था, उनको साधन देने चाहिए थे, ट्रेन बस चलानी चाहिए थी, सबका चेक वेक करके उनको ट्रेन से रवाना करते, नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को मदद किया, बहुत बड़ा पाप किया, इन्होंने कोरोना फैलाया देश में, बताइए। लोग नंगे पांव चल रहे थे, सैकड़ों किलोमीटर चल रहे थे, अपने परिवार के सदस्यों को अपने कर्जों पर लाद कर चल रहे थे, छोटी छोटी लड़कियां अपने पिता को अपनी साइकिल पर बिठा के ले जा रही थी बिहार तक, और हम मदद नहीं करते, उनको मदद न करना था, हमने किया क्योंकि ये हमारा धर्म है, क्योंकि आपकी सेवा हमारा धर्म है। ये सरकार सारी नीतियां सिर्फ अपने बड़े उद्योगपति मित्रों के लिए बनाती है, जो छोटे दुकानदार छोटे बिजनेस है वो जानते हैं। नोटबंदी लाई गई उस समय बताया गया कि ये बहुत बड़ा राष्ट्रवादी काम है, सारा काला धन देश में आएगा, कोई काला धन नहीं आया, कौन पैसा, छोटा दुकानदार वो पैसा, उसका संकट बढ़ा, उसके संकट बढ़े छोटे कारोबारियों के। उसी तरह से जीएसटी लाई गई, जीएसटी की तमाम जितने भी रूल रेगुलेशन है उनको पूरा करने के लिए कितना संकट हुआ आप लोगों को। जीएसटी के बाद लॉकडाउन आया, कोरोना में लॉकडाउन आया, आपकी कमाई बंद हुई, आपकी सारी दुकानें बंद हुई, ये सारी नीतियां आपकी भलाई के लिए थोड़ी बनी, ये तो आपको गुमराह कर रहे हैं, इनको तो मालूम है कि कुछ भी करें लोन माफ कर ले अपने अमीर दोस्तों के, यहाँ कर्ज में किसान डूब रहा है, आप किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि 5 साल बाद आप वापिस आओगे, धर्म की बात करोगे, जाति की बात करोगे, वोट मिल जाएगा, फिर काम क्यों करोगे। सारे भाजपा के नेता ही जान गए कि जो वोट पड़ेगा ध्रुवीकरण के आधार पर रहेगा, नहीं तो आपके मंच पे आके पाकिस्तान की बात क्यों करें, बुलडोजरों की बात क्यों करें, तमाम फिजूल की बातें क्यों करें, रोजगार की बात करो ना, ये तमाम नौजवान खड़े थे इनके पास रोजगार नहीं है, इनकी बात करो, किसानों की बात करो, छुट्टी जानवर की बात करो, बिजली के बिल की बात करो, महंगाई की बात करो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करो, महिलाओं पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, सुरक्षित नहीं है, ये बात करो, लेकिन ये बात नहीं करें क्योंकि आपको गुमराह करना चाहते हैं और आप गुमराह हो जाते हो। मत होना, मत होना, जल्दी मत करना, बहुत हो गया है बहनों भाइयों, बहुत हो गया है, ये देश अमीरों का देश नहीं है, इस देश को आजाद गरीबों ने किया है, ये देश गरीबों का है, सबका है, इस देश में ऐसे नहीं चल सकता कि दो बड़े उद्योगपति देश की पूरी संपत्ति खा जाए, सब उसको उनको बेचा जाए और यहाँ का गरीब सड़क पे हो, इस देश में नहीं चल सकता। इस देश की रीढ़ की हड्डी छोटे बिजनेस वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, रोजगार बनाने वाले छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, छोटे छोटे कारोबार बनाते हैं, रोजगार बनाने वाली वो संस्थाएं हैं, BHEL जैसे, रेल कॉन्ट्रैक्टरी जैसे, रेलवे जैसे, जो जनता के लिए बनाई गई थी, ये रोजगार बनाती है। आज क्या हो रहा है, सारी बेची जा रही है, आपके सामने मंच पे आते कहते कांग्रेस ने क्या किया, 70 सालों में कांग्रेस ने बनाया क्या, अरे हमने बनाया नहीं होता तो आप बेचते क्या, कहां से आ रही है ये संस्थाएं जो आप बेच रहे हैं,
सकते हैं। इन बातों से सुन लीजिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए। सांप्रदायिकता, धर्म और जाति पे आधारित राजनीति से सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों और नेताओं का फायदा होता है, पब्लिक का फायदा नहीं होता। पब्लिक का फायदा कभी नहीं हो सकता। सबके घर परिवार है, सबके परिवार में एक मुखिया है। अगर वो मुखिया भाइयों को लड़ाए, बच्चों को लड़ाए, तो क्या उस परिवार का विकास हो सकता है? क्या होता है? फूट करती है। जैसे ही फूट कारोबार लीजिए, छोटे कारोबार लीजिए, आपकी एक दुकान है, आपके दो बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों को लगा लिया, क्या वो दुकान चला पाएंगे? वो तो जाएंगे उस दुकान को तोड़ो फोड़ से कर लो, एक मुझे तो एक तुम लो। लड़ाई होगी, कमाई नहीं होगी। तो समझ लीजिए, जितने राजनीतिक दल आपसे ऐसी बातें करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में सत्ता में रहे, कुछ भी कर ले। अभी मुझे बताया जा रहा था यहाँ के वक्त कि जो भाजपा के प्रत्याशी है वो घर में जाकर पायल दे रहे हैं महिलाओं को। सिलेंडर, इतने पैसे, उतने पैसे पहले क्यों नहीं दिए?
राशन का भोला देते हैं ना आपको, ये जो थोड़े थोड़े पैसे आपके खाते में चुनाव के पहले भेजते हैं, ये आपको गुमराह करने के लिए करते हैं। ये चाहते हैं कि आप इन पर बेभर रहो, ये चाहते हैं कि आप इंतजार करो उस भोले का, इंतजार करो उन पैसों का। क्यों क्यों? ये देश 70 सालों से आजाद है, खाली पड़े हैं सरकारी रोजगार हजारों लाखों, आपको आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाते? आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए क्यों नहीं मजबूत करते? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी उसी भोले का इंतजार करते रहे और पूरा जीवन बीत जाए? कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कमाए, बड़े हो, भविष्य बनाए, अपने परिवार की परवरिश करें, अपने परिवार को आगे बढ़ाए? समझ लीजिए नियम क्या है। आज कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, हमें महिलाओं के लिए विधान निकाला है, नौजवानों के लिए एक विधान निकाला है और एक उन्नति विधान निकाला है। तीन विधान निकाले हैं, मुझे एक और पार्टी बता दो जिसने आपके सामने इतनी विकास की बात की। हम कह रहे हैं आपको एक गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हम तीन मुफ्त देंगे, लेकिन लेकिन हम महिलाओं को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम हर जिले में महिलाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय जैसे पाठशाला बनाएंगे, उनके हुनर को बढ़ाएंगे ताकि वो उन पाठशालाओं से निकल के रोजगार ले पाए। हम कह रहे हैं कि 40% सरकारी रोजगार महिलाओं के लिए देंगे पहले के आरक्षण के तहत। हम कह रहे हैं कि महिलाओं 25% महिला पुलिस में भर्ती होगी ताकि आप पर अत्याचार हो पुलिस स्टेशन में आपकी सुनवाई होगी। हम कह रहे हैं कि आपकी सेहत के लिए हर ब्लॉक के अस्पताल में महिला डॉक्टर मिलेगी, आपको एक अलग कमरा मिलेगा महिलाओं के लिए। हम नौजवानों के लिए कह रहे हैं भर्ती की प्रक्रिया में घोटाले हैं, भर्ती की प्रक्रिया में माफिया घुसी हुई है, हम कह रहे हैं उसको पारदर्शी बनाएंगे। हम कह रहे हैं कि हर भर्ती का एक जॉब कैलेंडर बनेगा, उसमें लिखेंगे प्रति आपकी जो क्या करना
ये लोग ये बातें कर रहे हैं। हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने विकास करके दिखाया है। हमने जितना भी इस देश में विकास हुआ वो कांग्रेस की सरकार ने, बाकी सब जो इन लोगों ने कहा है, जो उद्घाटन भी करते हैं ज्यादातर उद्घाटन उन्हीं प्रोजेक्ट का करते हैं जो पास हमारे समय में। और रायबरेली की जहां तक बात है, जो हमने प्रोजेक्ट लगवाए इनको बंद करने का पूरा प्रयास करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये सोनिया जी का शासकीय क्षेत्र है। तो आज यहाँ आपके सामने खड़े होकर आप मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं, लंबा भाषण नहीं देना चाहती, ये बातचीत करना चाह रही थी सिर्फ ये कहने के लिए कि सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ। पंजाबी सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं इस बार, पिछली बार आपने हमारे ही प्रत्याशी को जिताया लेकिन आपके साथ भी हमारे साथ भी विश्वासघात किया।